सबसे पहले तो राहुल वेलकम टू द दैनल तो राहुल एक बार अपना ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे दो और इसको ये बता दो कि कहाँ से तुम बिलोंग करते हो hmm. तुम्हारी ब्रांच क्या थी बिट्स प्लाने में कौन सेयर में एडमिशन लिया और करेंटली तुम क्या कर रहे हो ओके सो माय नेम इज़ राहुल गुप्ता एंड आई बिलोंग टू कोलकाता एंड माय बैच सो आई बी ओवर हियर लाइक लाइक आफ्टर क्रैकिंग वर्किंग इन फ्री चार्ज राइट नाउ एंड एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एस अ पार्ट ऑफ एन एक्सिस बैंक तो so, uh, मैं ड्रॉप ईयर के बाद आया था यहाँ पे ठीक है तो मैं एक्चुअली uh, like, mm -hmm. मेडिकल के लिए जाने वाला था लाइक आफ्टर गिविंग द नीट आई ट्राइड फॉर मेन्स ऑल्सो बट मैंने मेन्स एडवांस नीट सब में फील किया था आई गेस ठीक है द ओनली एग्जाम आई कैन क्रैक वॉज अट्स आफ्टर ही ड्रॉप ईयर एंड थ्रू पी सी बी तो उसके बाद आई गॉट बी फार्म इन द बिट्स माई होल लाइफ हैव नेवर लाइक use any kind of computer related things actually okay. before you came to BITS yeah yeah, yeah like okay. I never काम्प्यूटर रिलेटेड सो हाउ एस्ट एक्सप्लोर दिस फील्ड वॉज की सेमेस्टर एंड होने वाला था ठीक है तो देर वॉज अ सी एस का ए मेरा थोड़ा सा ये wing में था एकदम लास्ट में फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट सेमस्टर का एंड बता रहा हूँ ठीक है तो उस समय तो मतलब लैपटॉप तो कभी था ही नहीं आज तक नहीं था मतलब कंप्यूटर लैपटॉप ठीक है तो मैं hmm. बिना लैपटॉप के आया था everyone my friends have the लैपटॉप जो जनरल नेसेसिटी होता है राइट राइट right, right. yeah. तो वो उसके साथ मैं गया बस नॉर्मल बात होता था मेरा ठीक है तो उसने मुझे बोला कि वो कुछ कोड कर रहा था शायद मुझे पता नहीं वो कोड होता है कि नहीं होता है बट मतलब, ही ऑन लैपटॉप तो ब्रैकेट्स लिख रहे थे क्या लिख रहे हो ठीक है ये कोडिंग है तो इसमें बस लिखना होता है यू कैन मेक एप्स और वेबसाइट्स का तो आई वाज लाइक इंट्रिक्ड कि हमको तो लग रहा था कि हाँ uh, थोड़ा बहुत मतलब ये क्या फील्ड है क्या करना चाहिए क्या नहीं तो मैंने उसको uh, पूछा था कि इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं तो हिज जस्ट स्टोरी मे कि यू हैव टू लर्न एनी काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर दैट एंड इवन इफ आई डोंट नो हाउ टू यूज़ ए कंप्यूटर लाइक ठीक है सो द फर्स्ट लैपटॉप आफ्टर लॉन्ग लॉ ट लेने के बाद तो मैंने थोड़ा फोर्स किया था पेरेंट्स को कि एंड आई like, okay. है एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ बाइंग अ लैपटॉप एट दैट टाइम ठीक है तो क्योंकि मुझे फिफ्टीन डेज़ का ब्रेक मिलता था उस समय एंड उसके बाद हमको आना था यहाँ पे तो वॉट आई डिट वॉज आई बॉट अ लैपटॉप एंड ग स्मॉल स्टीट्यूट इन माई होम टाउन ओमली दे हेल्प मीथ फॉर जस्ट आई एम इनॉल्ड इन द कोर्स है इन सी सी प्लस प्लस तो मैंने वहाँ पर थोड़ा सीखना स्टार्ट किया

Like, मुझे समझ में आता है दो ही कारण से ह्यूमंस कुछ काम करते हैं या तो फियर होता है किसी चीज का नहीं। या, फिर होता है, या होती, right? नहीं। तो, तो मे भी आएगी या फिर तुम्हें इतनी थी कि अपने आप वो स्पीड आ रही थी और तुम करते जा रहे थे तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मतलब आई अ गुड मेंटर मुझे मिल गए थे वहाँ इंस्टीट्यूट में एंड आई यूज़ टू लाइक आज डाउट्स एंड ट्राई टू आज की इट वर्क तो वहीं मैंने कंट्रोल सीख्रोल वीज पावर ऑन ऑफ सब कुछ वहाँ सीखा और पूरा कोडिंग लाइक वहाँ से एक्चुअली सीखा फोर्टीन डेज में एंड दैट्स कम्प्लीटेड ओके ओके फोटीन डेज में क्या क्या कम्प्लीट कर लिया था तुमने मैंने कम्प्लीट किया था सी Okay. C++ के थोड़े लाइब्रेरीज होते हैं बट वो सब ने कवर किया था बट नॉर्मली सी प्लस प्लस इतना सीख गया था और pointer, वो सब भी कवर किए थे नॉर्मल जो है तो सिखा सकते होता सिखाया था हाँ मैंने थोड़ा डी एस ए नहीं किया था डी एस ए भी आई गेस डेटा होते हैं बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं और वो अलगोइम से बेसिकली तो वो वाले चीज़ मैंने नहीं की थी बट नॉर्मली कोर्ट से स्टार्ट कर दिया था इजी इजी प्रॉब्लम के ओके okay, तो क्वेश्चंस हो रहे थे उस टाइम क्वेश्चंस हो रहे थे इट टेक्स टाइम लाइक दो okay. दिन लग रहा था एक क्वेश्चन सॉल्व करने में ओके okay. तो आई वाज नॉट गिविंग अपन द क्वेश्चंस बट जब बहुत टाइम लग रहा था आई मूव ऑन विद टू डिफरेंट क्वेश्चन बट फिर बैक आता था ओके okay. तो होने लग गया था तो और उस टाइम मोटिवेशन क्या था कि मैं कोर्ट सेफ पे जाके क्वेश्चंस करूंगा और सारे सही सॉल्व uh, करूंगा जस्ट बिकॉज कि मुझे सॉल्विंग करना पसंद था कि प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए ओके okay, कैसे नहीं okay. हो रहा है तो थोड़ा ईगो में लगता था सॉल्व hmm. हो जाना चाहिए प्रॉब्लम्स okay. प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगता था ओके okay, ओके okay. हाँ. okay, और इसके बाद फिर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कब सीखा कैसे सीखा इस बात करते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम से मैं इंट्रोड्यूस तो हो गया था आई बस जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था देखना पहले मैं नहीं देखता था बिकॉज मुझे एकदम आइडिया नहीं था यूट्यूब का भी इतना आइडिया नहीं था तब वहाँ से मैंने समझा कि डी एस ए करना इज इंपॉर्टेंट बट स्टिल आई डेंट डू द डी एस ए इन माई सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर और इवन इफ थर्ड फोर्थ के मिड सेमेस्टर तक अच्छा हाँ बट uh, मैंने थोड़ा सा बस उसके तरफ मतलब अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया था कि अब ये करना है इन दैट जर्नी क्योंकि वो नेसेसरी है डी एस से इस चैलेंजिंग एक्चुअली कि उसको उसको एगोइडम को समझना थोड़ा डिफिकल्ट मेरे को तो हुआ ही था काफ़ी मतलब मैं उसको पढ़ तो लूंगा एग्वाइडम बट हाउ टू यूज एंड अप्लाई इन डिफरेंट क्वेश्चन बिकॉज एक क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है मल्टीपल पार्ट हो अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब आई वॉन्ट टू हाईलाइट ऑन दिस पॉइंटो दैट डी एस एस करने से नहीं होगा यू हैव टू डू लाइक डेवलपमेंट पार्ट एंड डेवलपमेंट पार्ट मैंने कभी तो, दो साल में कभी नहीं किया मैंने थर्ड ईयर जब लॉकडाउन था चल रहा था कंप्लीटली तब तब मैंने कोई तो पर्टिकुलर चीज़ उठाई थी डैट इज एस टी एम एल नोट जेस फ्रंट एंड बैक एंड ओके स्टैक हो गया फुल स्टैक ओके स्टार्ट किया था मैंने ठीक है तो दैट आई कैन शो केस माई एनी ऑफ द प्रोजेक्ट टू दू अभी अपन ने बात कर ली कि तुम्हारा लर्निंग फेस कैसा था तुमने डी एस ए कैसे सीखा प्रोग्रामिंग कैसे सीखी अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स की तो जैसे तुम्हारी ब्रांच बी फार्मा थी तो, हुँ, तो हुँ. उसके कारण आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर काफ़ी लिमिटेशंस रहे होंगे कंपनीज को लगता होगा कि यार ये तो टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से भी नहीं है बी टेक बी तो उसको तुमने कैसे टैकल करा पूछते भी होंगे शायद तुमसे इंटरव्यूज में कि वाई डू यू वॉन्ट टू गेट इन टू दिस फील्ड आफ्टर कमिंग फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड तो क्या तुम्हारा आंसर रहता था और उस टाइम क्या मोटिवेशन रहती थी क्योंकि उस टाइम आई गेस काफी फेलियर्स तुमने देखे होंगे हाँ तो प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होने वाला था एंड आई टोल्ड माय फ्रेंड टू गिव मी अ रेफर इन रुफी तो मुझे वहां पे भी इंटरव्यू हुआ था एंड आई गॉट इनटू रुफी 5 आल्सो फॉर इंटर्नशिप ओके एट द सेम टाइम आई वाज डूइंग माय प्लेसमेंट्स यानी मतलब कम से कम 7 टू 8 कंपनीज में शायद इंटरव्यू दिया था ओके और कोडिंग राउंड कितनों के दिए सबकी कोडिंग नॉटो नंबर बताओ

इसमें मेरे को में आप, मतलब मतलब आप देखिए राहुल किस बैकग्राउंड से आते हैं कि बी फार्म है साथ साथ में जब ये कॉलेज में आए तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी कि हाउ टू यूज अ कंप्यूटर इन इट्स मोस्ट ऑप्टिमम वे प्रोग्रामिंग तो चलो बहुत ही दूर की बात है राइट कंप्यूटर भी शायद बहुत सारी चीज़ें नहीं बता दी राहुल को बट ही डिंट मेक एनी एक्सक्यूज इन्होंने सीखा टाइम के साथ अलग अलग स्ट्रगल्स भी रहे चैलेंजेस रहे बी फार्म होने के कारण काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आई बट अल्टीमेटली वन लैख पर मंथ की इंटर्नशिप आफ्टर हैविंग बी फार्म और एक्सिस बैंक में प्लेसमेंट विद इज नॉट अ स्मॉल थिंग तो अब कैसा लगता है राहुल <laughs> जब आप देखते हो अपने फर्स्ट ईयर वाले सेल्फ को तो क्या बोलने का मन करता है उसको अरे सो लाइक व्हेन आई वाज इन कॉन्वोकेशन तो जब वहाँ पे जो सीट पे बैठा था उनको ऐसा अच्छा लगा था, तो वही सीट पे बैठा जब मुझे कुछ नहीं पता था एंड टुडे आई आफ्टर स्ट्रगल मैं वहाँ सीट पे बैठा व्हेन आई अचीव समथिंग सो आई वॉज रियली हैप्पी आई डेट डे तो मुझे था कि मतलब जहाँ से मैं आया तो उससे बेटर आज है तो मतलब ठीक है लाइक मैंने ग्रोथ किया है तो तो ग्रोथ इज hmm. right. नहीं था ठीक है hmm. Hmm. तो हम हैप्पी hmm. दैट कि मैंने अपने लिए कुछ कर लिया एटलीस्ट ठीक hmm. hmm. है अब जितना हो सका अरे <laughs> नहीं, नहीं नहीं यार बहुत बहुत अच्छा कर रहा काफी इंस्पायरिंग है मैं भी काफी एडमायर करता हूँ तुम्हारी जर्नी को एंड आईम हंड्रेड परसेंट श्योर कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा अगर कुछ स्पेसिफिक डाउट्स हैं आपके रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग या फिर कैसे प्रोफाइल बिल्ड करनी है कैसे प्रोजेक्ट्स करने हैं राहुल को काफी अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं लिंकड इन लिंकड इन का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दिस वेरी एंड अगर आपको पसंद आई तो सबसे पहले तो लाइक करिए इस वीडियो को राहुल को लिंगडिन में जाके फॉलो करिए कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजिए एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन स्टे हैप्पी स्टे फोकस्ड जय हिंद वंदे मातरम